हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी है समोसा। सर्दियों में गर्मा गर्म समोसे खाने की कुछ बात ही अलग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, इसमें मैंने हरी मिर्च डाल दी है। इसको अच्छी तरह से सेकने देंगे। इसके बाद मैं अपनी आलू डालूंगी। इनको देखो मैंने कद्दूकस कर लिया है, जैसे एक भी लम्स ना रहे। अब इसमें मैं कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी। ये देखिए फ्रेश धनिया लीव्स हैं, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और काट लिया था। अब 2 चम्मच मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी। आधा चम्मच रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। 1 चम्मच काला नमक मैंने ऐड कर दिया है इसमें। आधा चम्मच अमचूर पाउडर ऐड कर दिया है। आधा चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है। ये क्रश्ड काली मिर्च है, इसको मैंने क्रश किया है, ज़्यादा पिसी हुई नहीं है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लम्स इसमें पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने पहले से इनको आलूओं को अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया था। आप पहले से कद्दूकस कर लें तो मिलाने में बहुत आसानी होगी। ये देखिए कितनी जल्दी आसानी से मिल गया है, ये सारे मसाले मिक्स हो जाएं। तब तक हमें इसको सेकना है। ये देखिए सब मिक्स होना शुरू हो गया है। इसको अच्छी तरह चलाते रहेंगे और सारे मसाले मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे आलू बनकर तैयार हैं। ये देखिए अब मैंने आधा चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। हमारा आलू का मसाला बनके तैयार है। ये बनके तैयार हो गया है। ये इतना अच्छा टेस्टी बनता है, आप उसको पराठे और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इसके बाद हम समोसे का डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने मैदा ले लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच नमक डाल देंगे। ये देखिए मैंने 1 चम्मच नमक ले लिया है। इसमें 2 चम्मच मैं तेल डाल दूंगी लगभग। इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूंगी और डो तैयार कर लूंगी समोसा बनाने के लिए। ये स्टेप 2 है। पहले स्टेप में हमने समोसा का आलू तैयार कर लिया था। मैंने एक लोई ले ली है, इसको गोल बेल लूँगी। और इसको ना ज़्यादा पतला बेलना है ना ज़्यादा मोटा बेलना है। ये देखिए कोई ज़्यादा गोल बेलने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसकी टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि जब हम कट करेंगे उसके बाद हम समोसा बनाएंगे तो ये किनारे वैसे भी समोसे के अंदर आ जाएंगे, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। इसके बाद हम इस पर पानी लगाएंगे। ये आप इसमें मैदा का घोल बना के भी लगा सकती हैं। इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया। इसमें थोड़ा सा हम आलू डालेंगे और फिर इसको बंद कर देंगे। इस तरह से हम सारे समोसे बन के तैयार कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा समोसा बन के तैयार हुआ है। आप बड़े साइज़ के भी समोसे बना सकते हैं। अब मैं इनको सबको तेल में डाल दूंगी, जो मैंने पहले से तैयार करके रख लिए थे समोसे। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जब भी आप समोसों को तेल में डालें तो तेल हमेशा गर्म होना चाहिए और जो हमारी गैस की फ्लेम है उसको लो रखना चाहिए। ये देखें और समोसे को हाल ना पलटिए आप, 10-12 सेकंड के बाद इनको पलटना शुरू कीजिए। हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया हमारा समोसा। ये देखिए अब इनको एक एक करके सबको पलट देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। एक बार ये लाइट ब्राउन हो जाए इसके बाद आप अपनी गैस की फ्लेम को बढ़ा दें, फिर आप इनको सेकते रहें। इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। ऐसी टेस्टी और मज़ेदार रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है आपको मिलती रहे। ये देखिए कितने डिलीशियस समोसे बनके तैयार हुए हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। चलती हूँ फ्रेंड्स, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।